वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 3 × x + 3 = 14 + x। मैंने और भी इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किए हुए हैं, इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चन इससे रेलिवेंट चाहिए हो तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको ईजीली समझ आ जाएगा। फिर कोई भी जैसे इससे रेलिवेंट हो, यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो तो भी आप ईजीली कर सकते हैं, अगर इस तरह का हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, जब आपको पता है कि ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस थ्री है, बाहर हमारे पास एक नंबर है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसने मल्टीप्लाई होना है इसके साथ भी और इसके साथ भी। ये कर लेते हैं तो 3 को x से करवाएंगे, 3x टाइम्स हमारे पास क्या आ जाता है, 3x प्लस 3 टाइम्स क्या होता है 9 इक्वल टू 14 प्लस एक्स एज इट आ गया। क्लियर? अच्छा, अगर जो है आपने न्यू है मेरे चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास 3x प्लस 9 और 14 प्लस एक्स। अच्छा, इसमें वेरिएबल क्या है, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल एक्स है तो हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 3x इधर है, इसको यहीं पे रहने देते हैं, एक्स यहाँ से यहाँ पे ले आते हैं, समझ आ रही है। वेरिएबल वाली टर्म मतलब 3x है, और यहाँ पे एक्स को भी इधर ले आते हैं राइट साइड से। एक्स को जब हम यहाँ पर लाएँगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। आपको पता है ना, जब भी कोई टर्म राइट साइड से लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाती है उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह 14 यहाँ ही है वहीं पे लिख दिया, 9 यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाने लगा है तो उसका प्लस है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जाके। इतना क्लियर हुआ, 3x में से एक्स को माइनस कर दें तो 2x आ जाता है, और 14 में से 9 को माइनस करें तो क्या आता है, 5 आता है। और उसके बाद x वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो x यहीं पे रहेगा, 5 भी यहीं पे रहेगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी नंबर होता है तो वो हमारे पास कोएफिशिएंट होता है। तो उस कंडीशन में हम ये करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 5/2 आ गया हमारे पास, समझ आए। और आप ये भी कर सकते हैं कि मैं और लिख रही हूँ इस स्टेप के बाद, या ये कर लें या ये जो है मैं लिख रही हूँ वो कर लें, 2x/2 = 5/2। उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा कि ये हो जाएगा कि 2 से कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 5/2 रह जाएगा। तो समझ आ रहा है, समझ आए। तो इस स्टेप के बाद इतना तो सही है, सेम जाएगा, या ये कर लें या ये कर लें। और अगर ये करना है तो फिर ये यहाँ पे हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी 2 से और एक्स आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 5/2 आ जाएगा। और अगर आपको ये आंसर चाहिए हो कि फ्रैक्शन में ना डेसिमल में चाहिए तो डिवाइड कर दें, वरना ये सही है। ओके, समझ आ गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपके पास आप इस तरह क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं ना ईजिली, वेरिएबल एक्स हो या वाई हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसके बाद जैसे आपने मल्टीप्लाई करवाना है अगर इस तरह की सिचुएशन है, और अगर इस तरह की सिचुएशन नहीं है, सिंपल है तो ये सिंपल ये वाली इक्वेशन फ्रैक्शन में है तो इस तरह का है, उसके बाद अगर इस तरह की है तो ये रेलिवेंट टेस्ट है जो हमने किया है, लेकिन यहाँ पर ये है और इस यहाँ पर इससे भी पहले ये वैल्यू है, और अगर इस तरह का है तो मतलब वाई कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करवाना। तो डिफरेंट कंडीशन है, मैंने सब पे वीडियोस बनाई हुई हैं, और भी हैं, सॉल्व द इक्वेशन नेम के नेम से प्लेलिस्ट है, वो आपको मिल जाएगी इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है।